हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम दो ब्रांड की बकेट्स का कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारे पास है मिल्टन की, ट्रांसपेरेंट कलर में है, और जबकि दूसरी जो है फ्रेंड्स हमारे पास है और दूसरी जो है फ्रेंड्स हमारे पास नासा ब्रांड की ये है, 25 लीटर है दोनों। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जो प्राइस जो है, तो ये आपको अमेजोन पर मिले, तो प्राइस लगभग बराबर ही है, 50-60 रुपए का अंतर है, बट क्वालिटी में और काफी चीजें डिजाइन में काफी अंतर है। तो सबसे फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, ये मिल्टन की है, तो ये हमने जो है ट्रांसपेरेंट की ली है बिल्कुल, यानी कि 80% जो है ये ट्रांसपेरेंट है। आप ये देख सकते हैं क्वालिटी, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, बट ठीक ठाक है। अगर आप बाल्टी की क्वालिटी देखेंगे तो ज्यादा ये मजबूत नहीं है, तो मे बी ये ट्रांसपेरेंट है तो इस कारण से है, या हमें नहीं पता कि क्यों इतनी ये कमजोर है। इसमें जो है कंपनी ने, आप ये देखेंगे, मार्किंग भी की गई है कि 25 लीटर तक ये बता रखा है कि आप इसमें कितना पानी डालेंगे। अगर आप ये देखेंगे नीचे लिखा हुआ है मिल्टन ऑर्बिट 25 और मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, और ये इसका कैलेंडर दिया हुआ है। और अगर हम बात करें नासा की, तो फ्रेंड्स ये है, तो ये जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, ये देखिए काफी मजबूत है, अनब्रेकेबल है, और शायद ये धूप और बारिश को भी सह सके। तो काफी हार्ड क्वालिटी का जो है, बेस्ट क्वालिटी का जो है नासा ने प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें कोई मार्किंग नहीं है, और ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कलर है। इसमें आपको 3 या 4 कलर मिल जाएंगे और काफी सुंदर डिजाइन दिया गया है। तो ये इसके बेनिफिट बताए गए हैं, इजी टू कैरी एनीवेयर, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, हाई क्वालिटी हाई ग्रेड वर्जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, डिजाइनदार बकेट्स हैं फ्रेंड्स, क्रिएटिव डिजाइन है, मटेरियल जो है प्लास्टिक है, कलर ब्राउन, और ये इन्होंने डायमेंशन भी बताया गया, और कीप अवे फ्रॉम द फायर। नेट वजन देखें तो ये हम मिल्टन का आपको वजन दिखाते हैं, नेट ये हमें 780 ग्राम का पड़ रहा है, जबकि नासा 25 लीटर का जो नेट वजन है, इससे आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना प्लास्टिक है, ये 848 ग्राम के करीब पड़ रहा है, यानी कि पूरा 80-90 ग्राम का दोनों में फर्क है। प्राइस वाइज देखेंगे तो प्राइस लगभग बराबर है, लोकल मार्केट में ये आपको सस्ती पड़ जाएगी। ये हमने बिना बकेट के जो है ऑनलाइन, सॉरी डिब्बे के, ये हमें सिर्फ 300 रुपए का पड़ा है, जबकि यही चीज जो है आपको ऑनलाइन 560 रुपए का पड़ रहा है। और जबकि मिल्टन की तो ये ट्रांसपेरेंट बकेट जो है आपको मिलेगी ही नहीं, तो ये हमें 460 रुपए की पड़ी है विद द 1 लीटर ये डिब्बा। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हमारे पास ये वंडर ब्रांड की पड़ी है, अगर आप ये देखेंगे इसकी मजबूती, तो ये नासा से भी मजबूत है, बहुत हार्ड है, इवन 10 साल हो गए इसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया। आप ये देखिए बहुत मजबूत है, हाई क्वालिटी का ये प्लास्टिक वंडर ने इस्तेमाल किया है। तो जब हमने लिया था तो कम से कम 150 या 200 रुपए के बीच पड़ा था, और इसका नेट वजन आप देखेंगे तो 880 ग्राम का है, तो शायद आज कल जो है ये ऐसी प्लास्टिक हमें मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बाल्टी जो है सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये था क्विक कंपैरिजन दोनों ब्रांड की बाल्टियों का, तो हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे,